अरे ओ चल ये पागे मागे। तो गाइस ये मेरे साथ मेरे दोस्त वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज हम लोग फिर से एक बार जा रहे हैं कनकेश्वर को और अभी मौसम थोड़ा सा ही क्लाउडी है, आप देख सकते हैं शायद से बारिश गिर जाए। मेरे साथ ये मेरे दोस्त जितेश अनुराग वीआर, तो इस वीआर और वो क्या कर रहे हैं सिद्धेश। तो ये देखो वाटरफॉल अभी स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं उधर वाटरफॉल है, तो अभी हम लोग उधर जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा एक दोस्त अभी इस पानी में गया है और तू जाने वाला अनुराग। ओके तो ये यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो गाइज मतलब अभी हम लोग दूसरे साइड से आ रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा शायद से मेरे पहले वाला ब्लॉग। तो अगर आप उस कनकेश्वर फटे से जाएंगे तो आपको मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वाटरफॉल वगैरह। तो अभी हम लोग जाएंगे वाटरफॉल की तरफ, बाद में जाएंगे ऊपर। तो चलो तो गाइज ये है पहला वाटरफॉल यहाँ का। तो मैंने इस पत्थर पर पिछली बार कुछ तो लिखा था, डेट लिखी, तो अभी नहीं है यहाँ पर शायद से गया। तो गाइज ये देखो, हाँ इस पत्थर थी, कौन सा पत्थर, ऊपर वाला है अभी तक। ओ गाइस आप देख सकते हो स्वराज एस ठाकुर 23/7/2018। तो फिर से एक बार आप लोग हम लोग आ गए। तो ये रहा यहाँ का वाटरफॉल। तो गाइस मतलब अगर आप अलीबाग में तो मानसून में तो ये प्लेस ज़रूर विजिट करना, कनकेश्वर और रामधरणेश्वर और एक है उधर, में अभी तक गया नहीं पर चलो। पर ये मुझे लगता है थोड़ा सा 2-3 फीट ही सिर्फ अंदर है। तो ये है यहाँ का वाटरफॉल। हो तो गाइज अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और ये देखो मेरा दोस्त फिर से एक बार यहाँ पर आ गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। तो चलो गाइज तो गाइज ये देखो अभी मतलब इस ऑफ रोड से बहुत स्लिपरी हो गया है रोड और बहुत सारा जंगल वगैरह आप देख सकते हैं। हम समर में आए थे तब ऐसा कुछ नहीं था, हमारे साथ डॉग्स भी थे, पता है आपको ब्लॉग देखा होगा। तो अभी बहुत ऑफ रोड हो गया है। चलो गाइज अभी हम लोग बहुत ऊपर आ गए और देख सकते हैं वहाँ से समुंदर भी दिख रहा है, वो देखो सामने सासों ने उस तरफ और झिराड़ क्या पता शायद से इस तरफ होगा झिराड़। सासों ने ना दिस तो चलो ना दिस। गाइज अभी हम लोग बहुत ऊपर आ गए, आपको अभी पीछे का व्यू दिखा देता हूँ। तो वो रहा RCF और शायद से आप लोग देख पाओ तो वो एक खंदेरी और उसके पीछे उंदेरी है शायद से, अभी नहीं दिख रहा है वो देखो बराबर सामने क्या चल रहा है भाई तुम्हारा सासुड़ा वगैरह। तो चलो गाइस ऊपर। तो भाई साहब कनकेश्वर का जाने का रास्ता इधर ही है क्या? हाँ ओके तो बहुत डर कर भागे। चलो हम लोग आ गए गाइज, तो सिर्फ अभी इधर से थोड़े से स्टेयर्स। तो चलो हाँ तो गाइज आ गए। तो गाइज वो देखो वहाँ पर हम लोग स्विमिंग कर रहे थे। चलो हम लोग फाइनली आ गए। तो अभी देखो अभी बहुत सारे बंदर है, तो बहुत लोग भी आ गए। गाइज अगर आपको मतलब ये प्रॉपर व्लॉग चाहिए तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में देता हूँ वो वाला व्लॉग, क्योंकि जब मैं समर में आया था तब मतलब मैंने हर एक टेंपल दिखाया था। तो अभी हम लोग सिर्फ ये मेन टेंपल में जाएंगे और बाद में उस कुंड में जाएंगे, देखते हैं स्विमिंग करते हैं नहीं। तो चलो तो उस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलो हर घुट में स्वैग। साइडो जितेश पर देख एक और बार यस यू कैन डू इट ब्रो। ओ नाइस। ए जितेश का फोटो निकालो,
नाइस नाइस, बेचारे से लागले मानने ला। ए फोटो काढ सिद्धेश, सिद्धेश फोटो काढ एक। मतलब अभी आपने टेंपल से लेफ्ट लिया तो एक ऐसा रोड आता है और वो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस प्लेस का नाम है गाय मुख, तो आप देख सकते हैं। बाबू बिस्किट पाइए। तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पर मतलब कचरा वगैरह डाला है, पर ये यहाँ का प्लेस। और बाद में मतलब कुंड के इधर जाएंगे हम लोग, तो ऐसा है ये गाय मुख। ओके तो गाइज अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो गाइस यहाँ पर अभी क्राउड देखो कितने लोग आए हुए हैं। तो देखो गाइस कहाँ कहाँ से लोग जंप मारे, पर आज बहुत ही क्राउड है इसलिए। सिद्धेश गाइज, ये ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। अभी हम लोग जाने वाले हैं राम धरणेश्वर को, तो वो वहाँ पर मैं पहली बार जाने वाला हूँ, तो वो मिल देंगे हम लोग अगले वाले ब्लॉग में। तो चलो गाइज, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर दिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। तो चलो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग। दोन तीन चार गेला गेला।